मैडम साहब बजट थोड़ा कम है मैडम, जितना आप कहोगे कर दिया जाएगा, आप चिंता मत करो। आप तुम खेलो कूदो और आसमान छोड़ो सफलता का, ये मेरी कामना है। अब हमने ये भी तय किया है ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स और अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने वाले मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि दुगनी कर दी जाएगी। और फेडरेशन को हम पदक देते हैं, पुरस्कार देते हैं, लेकिन चौथे स्थान पर भी कई बार जो छूट जाते हैं वो बड़े मायूस हो जाते हैं, चिंता मत करो। अब चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को भी पुरस्कार की राशि मिल जाएगी। तकनीकी सलाहकारों, प्रशिक्षकों के अमले की सेवा शर्तों को और उपयोगी बनाया जाएगा तथा उनके मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी, उसका खेल संघ भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके बिना खेलों का विकास संभव नहीं है, इसलिए उनकी नियमित गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक राज्य स्तरीय खेल संघ को भी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की राशि अलग कर दी जाएगी। प्रदेश में खेल गतिविधियां निरंतर बढ़ रही है, अधोसंरचना का भी हमने विकास किया है, निर्माण किया है, लेकिन उनके संचालन के लिए अमले की जरूरत है। स्टेडियम बन जाए लेकिन संचालन करने वाला कोई है ही नहीं तो स्थिति बनती नहीं है, बल्कि खेल विभाग के अमले की भी पुनर्संरचना की जाएगी और महानिदेशक खेल का पद भी सृजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नाथू वगैरह में क्रिकेट स्टेडियम को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ स्विमिंग पूल और साइकिलिंग वेलोड्रम का निर्माण किया जाएगा। खेल अकादमियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए खिलाड़ियों की सीटों में वृद्धि की जाएगी ताकि और ज्यादा खिलाड़ी आ सके। एकलव्य पुरस्कार 15 से बढ़ाकर 20 कर दिए जाएंगे, विक्रम 12 से बढ़ाकर 20 कर दिए जाएंगे और विश्वामित्र पुरस्कार भी 3 से बढ़ाकर 5 कर दिए जाएंगे ताकि ज्यादा लोगों को हम सम्मानित कर सकें। और मध्य प्रदेश के हरेक विभाग में खिलाड़ी कोटे से भर्ती के लिए पद आरक्षित किए जाएंगे।